शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। 25 साल बाद पेंच नदी उफान पर है, वाहनों की लंबी कतारें, आवागमन रुक गया है, इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है, कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। 25 बरस बाद बारिश ने अपना कहर बरसाने से पारशिवनी तहसील पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। जहां पर नवेगांव खड़ी यहां पर पेंच डैम में क्षमता पानी जमा हो गया है, वहीं तूत लाडो और चौराहे धरन से पानी छोड़ने की वजह से डैम ओवरफ्लो होने से पेंच डैम का पानी पेंच नदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं डैम के 16 गेट पूरी क्षमता से खोलने के पेंच का पानी स्तर बढ़ गया है, जहां शुक्रवार को पेंच डैम के सभी दरवाजे खोले जाने से नदी में उफान आया। जहां पारशिवनी नयाकोंड के बीच बना पुलिया पूरी तरह से पानी के नीचे आने से रामटेक पारशिवनी का संपर्क टूट गया है। पुलिया के ऊपर से पानी 3 फीट ऊपर बहता हुआ दिखाई दे रहा, जो शाम से ही नदी उफान आने से बहुत सी गांव को संपर्क में बाधा आई है। वहीं दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी है। पानी का बहाव नदी में बाढ़ आने से यह नजारा देखने को लोग यहां पर जमावड़ा कर रहे हैं। सुबह इलाके की नदी उफान पर होने का नजारा देखने के लिए नयाकोंड ग्राम की ओर बड़ी तादाद में नदी किनारे लोग पहुंचे। वहीं तहसीलदार वरुण कुमार सहारे ने लोगों से और नदी किनारे बसे गांव वालों को सतर्क रहने का और खतरे की आशंका जताई है। कोई भी नदी की तरफ ना जाए, सुरक्षित रहे। सालई, नेउरवाड़ा, पालोरा, नयाकुंड, माहुली गांव को सतर्क रहने का आह्वान भी किया गया है। आज नयाकुंड नदी नदी के पुलिया पर पेच के पूरे 16 के 16 जो गेट थे वो खोले गए, जिसमें 3.5 से 4 फीट वो दरवाजे पूरी तरह से खोलने के बाद इस नदी में इतना उफान आया है कि नयाकुंड पुलिया पूरी तरह से पानी में डूब गया। इसकी वजह से यहां पर देखने वालों की तादाद इतनी लोगों में बढ़ी है। ये वाक्य 1994 में एक बार फिर आया था, उसके बाद में आज इस जगह नदी इस ऐसी उफान पे बह रही है, जिसके कारण कि दोनों तरफ का आना जाना रुका हुआ है। उस साइड में भी नयाकुंड जो है वहाँ पे पानी और पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ है।